ये यहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन को सीधी रास्ता यहाँ से तिर्री मिल जाएंगी 20-20 रुपए में, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह को। आप देखिए ये मेट्रो स्टेशन है, 3 नंबर गेट से जैसे निकलोगे तो सीधे इधर हाथ पे को 20 रुपए में ट्री मिल जाएगी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह तक। ये चादर फूल मिल जाएंगी आपके लिए यहाँ पे, यहाँ जूता रख सकते हो, चप्पलें आप ये जाइए आप आगे मिल जाएंगे, चप्पल रख सकते हो और जाओ। ये मेन गेट है, यहाँ पे आपको चादर और फूल मिल जाएंगी। सामने आप बड़ी दरगाह देख सकते हो, हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह और नहीं है, सामने आप दरगाह देख सकते हो। चलो मैं मिलता हूँ, अलाउ नहीं है कैमरा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद। ये मस्जिद है, ये दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलहम्दुलिल्लाह। आज आस्थाने पर हमें आने का मौका मिला है, इन्होंने आज भी आज हमारे माशाल्लाह इधर लंगर हो रहा है, इधर देखने की दुकान है। और आज आए हैं हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलहम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी भीड़ हो रही है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पे, कहीं जगह नहीं है, मतलब इधर जो चल रहा है वो लंगर हो रहा है, मतलब खाना बट रहा है और उधर भी लंगर हो रहा है हर तरफ। हमें दो भाई मिले थे यूट्यूबर, अभी काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी यहाँ पर रश है, काफ़ी भीड़ है मेरे पीछे सारी वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ।
ये देखिए, ये यहाँ से दरगाह पूरी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये दरगाह शरीफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सामने देख रहे हो, इसके मस्जिद। धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, तो मतलब सूरज इधर ही को पड़ रहा है। और ये भी रास्ता एक ये जा रहा है, एक और एक जहाँ से आ सकते हो, एक इसके पीछे रास्ता है। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह महबूब इलाही, अगर हज़रत निज़ामुद्दीन आओ तो शाम के टाइम या सुबह में आओ तो यहाँ पे भीड़ बहुत होती है। दोपहर में काफ़ी, दोपहर में हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब भीड़ के मारे काफ़ी। मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है।